धुरी के श्री तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में सभी विषयों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी में विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, गणित, इतिहास, पंजाबी और अन्य विषयों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी को कैटलिस्ट 2022-23 नाम दिया गया। मुख्य मेहमान IPS ऑफिसर SSP सरदार प्रतिपाल सिंह रहे, जिन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल का मुआयना किया और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी में स्कूल चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह गिल और स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रोहित द्विवेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए मॉडल देखे, साथ ही स्कूल के स्टाफ की मेहनत और लगन को देखकर उनकी सराहना की, साथ ही स्कूल टीचर्स की हौसला अफजाई की। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए, साथ ही फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन में रहने वाले बच्चों को इनाम भी दिए गए। धूरी पंजाब से कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ नरेश अत्री की रिपोर्ट। पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन लगी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हो गया आज, जो मैं चाह रही थी, जो मेरी इमेजिनेशन थी कि हमारे स्कूल में टीचिंग ऐसी होनी चाहिए। ये बच्चे वो शो कर रहे हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं किसी तरीके से बच्चों को और उनका सर्वांगीण विकास करा सकें। जैसे हमने देखा है कि सभी ब्लॉक में अच्छे अच्छे मॉडल्स बने हैं, कुछ वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग है, कुछ देश की प्रतिभा को दिखाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे बच्चों के खुद बनाए हुए मॉडल हैं, खुद उन्होंने बनाए हैं टीचर्स की गाइडेंस पे, और ये दर्शाते हैं कि बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर उस टैलेंट को हम पहचाने तो ये बच्चे कहीं मिराकल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो ये बच्चों ने बनाया है उसमें से काफ़ी चीज़ें इनको खुद को आती थी, जो इनका गोल भी इनको दिखा रही है कि ये आगे अपना ये जो भी फील्ड इनको इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ को ये फॉलो कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये एग्जीबिशन। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि ये छोटी सी चीज़ें बहुत बच्चों को बहुत ऊंचा लेके जाती हैं, और इसको इसी तरीके से उनकी लर्निंग और हमारे टीचर्स इसी तरीके से उनको पढ़ाते रहें, जिससे कि उनका बहुत ही अच्छा विकास हो और उनका फ्यूचर बहुत बढ़े। बेटा आपका? सर, माय नेम इज मन्नत हालवा। एंड माय नेम इज प्रोफेसर का। आपने जो आर्ट्स बनाए हैं ये आपने खुद बनाए हैं? यस सर। आप कितने टाइम से बनाते आ रहे हैं? सर, फ्रॉम व्हेन वी आर 5 और 6। 5 और 6 ईयर से? यस सर। यहीं पढ़ रहे हैं शुरू से? यस सर। तो इसकी आपको ट्रेनिंग किसने दी है? नहीं सर, हम घर पे बनाते हैं। आई जस्ट गॉट माय टैलेंट फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। आपके ग्रैंडफादर ने दिए? yes. और आपको? ये हम खुद बनाते हैं, हम शुरू से, हमें बहुत शौक है पेंटिंग का, शुरू से शौक। yes, जो आपने ये पेंटिंग की हुई है, ये टोटली पेंसिल से या कलरिंग वगैरह यूज करते हैं? सर, विद पेंसिल एंड विद पेंट। आगे आपका क्या रहेगा शौक? सर, वी विल कंटिन्यू दिस आर्ट। प्रॉपर पेंटर बनना है आपने? No sir, actually I want to be a badminton player, but I will keep art as my hobby because it gives me relief and I just create my imaginations while painting. आगे भी कहीं और भी कंपटीशन में हिस्सा लिया आपने? No sir. ये फर्स्ट टाइम इज। मैम, बच्चों ने अपना पुराने कल्चर के प्रति किया ये एग्जीबिशन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, सो अज गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल दे विच एक छोटा जिहा उपराला किया गया है, जिदे विच पंजाबी प्रदर्शनी बच्चियां ने बनाई है, जिदे विच असी पंजाब दा विरसा दिखा रहे हैं। सो पंजाब दे विरसे दी एक झलक जिहड़ी है पंजाबी रसोई। पंजाबी रसोईयां इस तरीके दीआं तुहानूं अजकल वैसे शहरां च तां देखण नूं मिलनियां ने, पिंडां दे विच तुहानूं इह हर घर दे विच तकरीबन इहदी थोड़ी बहुत झलक जिहड़ी है देखण नूं मिलेगी। सो इह हैगा साडा चुल्हा, जिहदे उप्पर सवाणियां जिहड़ियां ने साग धरिया होया है, ते जिहड़ा उस बर्तन दे धरिया होया उसनूं कहिंदे ने पतीली, ते उहदे विच घोटने दे नाल साग घोट रहे ने, ते इक इह चीज़ है जिहड़ी इहनूं कहिंदे ने चाटी, चाटी दे विच लस्सी रिड़की जांदी है, ते उस जिहड़ा दूसरा बच्चा है उह कुंडी सोटे दे विच चटनी नूं बणा रिहा है। सो इह चीज़ां असीं दिखाउण दा मकसद इही है कि जिहड़ियां चीज़ां अलोप हो रहियां ने अपने सभ्याचार दे विच, लोकां नूं उहनां चीज़ां बारे पता लगे, आज सर आपके स्कूल में एग्जीबिशन लग रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे सातवीं आठवीं क्लास के छठी के बच्चे जो हैं उनको हमने विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स हैं वो साइंस के, मैथ्स के, सोशल साइंसेस से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स के, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी,
के संबंध में इन्होंने मॉडल बनाए हैं, वर्किंग मॉडल्स बहुत सारे हैं, आईटी के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि वर्किंग मॉडल्स हैं। तो इन बच्चों ने बहुत दिन से बहुत अच्छी तरह मेहनत की है, उसके बारे में अध्ययन किया है, और आपको जानकर खुशी होगी कि ज़्यादातर मॉडल्स जो हैं वो इनके खुद के द्वारा सोचे गए हैं, अच्छी तरह समझाया उन्होंने और ख़ुद ही उन्होंने उसको असेंबल किया है, बनाया है। और आपने जैसा देखा होगा कि जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके जो एक्सप्लेनेशन हैं वो भी इतने अच्छी तरह से किया कि ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने कुछ रटी है, बल्कि खुद किया है। तो ये पिछले करीब 15 दिन से इस पर मेहनत कर रहे हैं और जैसा कि दिखाई पड़ रहा है बहुत ही अच्छी तरह समझ बूझ के इन्होंने किया। इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं सभी लोग, और इससे हमें उम्मीद है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, इसमें टीचर्स की तरफ से कितना सहयोग मिला बच्चों को? देखिए, टीचर्स तो सबसे ज़्यादा सहयोग उन्हीं का है क्योंकि उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया है। बच्चों ने प्रिलिमिनरी रिसर्च की है, उसके बाद टीचर्स ने ही हैंड होल्डिंग किया है, उनको पूरा गाइड किया है और उन्होंने पूरा बनाया है। तो टीचर्स का तो बहुत बड़ा योगदान है, और ख़ासतौर से मैं कोऑर्डिनेटर का भी नाम लेना चाहूँगा, मिसेज रश्मि भारद्वाज। उन्होंने मोटिवेट किया अपने सारे टीचर्स को, बच्चों को, और बहुत ही बड़े स्तर पर आप देखिए प्रदर्शनी लगाई गई है। इतने पवेलियंस हैं हमारे, इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा है अमालगमेशन ऑफ एग्जीबिशंस, यानी कई सारे एग्जीबिशंस को का मिश्रण है ये। तो आप सोचिए, सोशल साइंसेस से लेके लैंग्वेज का डेवलपमेंट, आईटी, मैथ्स, साइंस, सारी चीज़ें कवर की गई। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो नॉर्थ साउथ से भी थे, तो वो भी दिखाया गया, उस पर कैसे गाइड किया गया? जी, ऐसा है, देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमारे देश में जब सोशल साइंसेस का जो पवेलियन के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या कोशिश की है कि देश को जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बांट दिया जाए, और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, जलवायु कैसी है, इन सारी चीज़ों को हमने अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, और इसीलिए वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का हमने कॉन्सेप्ट किया है। आप अपनी तरफ से बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। आप देखिए, आप बात कर रहे थे, अभी मैं एक से बात कर रहा था, तो सैटेलाइट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है।